आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपने नाम का और पसंद का रिंगटोन कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना किसी एप्लीकेशन के आप चाहें तो कोई भी रिंगटोन अपने पसंद का बनाने के लिए तो बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं, और चाहते हैं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए तो वो भी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम जानते हैं कि बिना किसी एप्लीकेशन के कैसे हम अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप चाहें तो अपने पसंद का रिंगटोन आसानी से सेट कर सकते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम अपने जाएंगे क्रोम ब्राउजर के ऊपर, और दोस्तों यहाँ पे हम सर्च बार में टाइप करते हैं उस वेबसाइट का नेम, जो कि दोस्तों उस वेबसाइट का नेम है FDMR। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे FDMR लिख करके हम सर्च पे क्लिक करते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का नाम है FDMR, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्री डाउनलोड मोबाइल रिंगटोन्स। तो सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे वेबसाइट आ चुका है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो सिंपली दोस्तों आप चाहें तो यहाँ से कोई भी रिंगटोन आसानी से सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा सर्च रिंगटोन। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर सर्च रिंगटोन्स पर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जैसे हम सर्च रिंगटोन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहा जाएगा किस नेम से आप बनाना चाहते हैं रिंगटोन। तो सिंपली दोस्तों उस नेम को यहाँ पे इंटर करेंगे जिस नेम से आप बनाना चाहते हैं रिंगटोन। तो सिंपली दोस्तों जिस नाम से मैं रिंगटोन बनाना चाहता हूँ यहाँ पे उस नेम को मैं इंटर कर लेता हूँ। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे अपना नाम इंटर करता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आप रिंगटोन रखना चाहते हैं यहाँ पे पढ़ करके उससे रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा रहा है कि अमित भैया फ़ोन उठाओ, आपका फ़ोन आया है, अमित जी कृपया फ़ोन उठा लीजिए। तो सिंपली दोस्तों आप चाहें तो इस तरह से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे रिंगटोन, आप जिसे भी रखना चाहते हैं उसे इजीली रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर किसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो सिंपली दोस्तों मुझे यहाँ पर ये रिंगटोन पसंद आ रहा है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस यहाँ पे शो होता दिखेगा, और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की साइड में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे उस रिंगटोन को डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करके आसानी से उस रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं डाउनलोड पर मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा डाउनलोड, सिंपली दोस्तों डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं। तो डाउनलोड पे क्लिक करते आसानी से आपका रिंगटोन डाउनलोड हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ओपन पे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिंगटोन डाउनलोड हो गया। तो सिंपली दोस्तों इसे मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, और दोस्तों मैं अपने फाइल मैनेजर पे जाकर के आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे डाउनलोड हुआ या नहीं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर पे मैं यहाँ पे म्यूजिक पे जाता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आ चुका है, जो कि मैं पहले डाउनलोड किया था यहाँ पर आ चुका है, और जो कि मैंने अभी डाउनलोड किया यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली दोस्तों इस पर मैं क्लिक करता हूँ जी, कृपया फोन उठा लीजिए। अमित जी, कृपया फोन उठा लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से चाहें तो अपने पसंद का और अपने नाम का रिंगटोन आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से चाहें तो अपने पसंद का और अपने नाम का रिंगटोन आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से इसे मैं रिंगटोन में सेट करता हूं। अब सिंपली दोस्तों यहां पर मैं इस रिंगटोन पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा मिलेगा मोड, तो सिंपली दोस्तों मोड पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा मिलेगा सेट एज, तो सिंपली दोस्तों सेट एज पर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जैसे सेट एज पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सिम वन इनकमिंग कॉल रिंगटोन, और यहाँ देख सकते हैं सिम टू इनकमिंग कॉल रिंगटोन, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आप जहाँ चाहे अपने रिंगटोन को सेट करने के लिए तो इजीली सेट कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं सिम टू पे सेट करना चाहता हूँ, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे सिम टू पे मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों मेरा सिम टू पे रिंगटोन सेट हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान चुके हों कि अपने नाम का रिंगटोन कैसे बनाया जाता है और बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। सो थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।